और पकवानों की बात ना हो, मिठाई की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं आपको चार तरह की चीजें बनाना बता रही हूँ मिठाई में, वो भी एक ही फिलिंग से। तो हम बनाने वाले हैं मावा बाटी, गुजिया और ड्राई फ्रूट्स पोटली। बहुत हम बनाने वाले हैं मीठे वाले पारे, जो कि हम प्लेन बनाएंगे, फिर उसको हम चाशनी में डिप करेंगे। और जैसे जैसे मेरा वीडियो चलता जाए, आप देखते जाए, उसके बीच में आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हम जो मेन इंग्रेडिएंट्स लेने वाले हैं इसे बनाने के लिए, वो देखते हैं। ये मैंने एक कटोरी शक्कर ली है पिसी हुई, एक कटोरी मावा, दो कटोरी मैदा ली है, ड्राई फ्रूट्स लिए मैंने काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, और ये मैंने थोड़ा सा घी लिया है। इसका हम मोइन डालेंगे और हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम और घी लेंगे। हम शुरू करते हैं। ये जो हमने मैदा ली है दो कटोरी, इसमें हम ये घी मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यह मोइन जो डाल रहे हैं इसको हम अच्छे से मैदा के साथ मिक्स करेंगे। अब हम मैदा की मुट्ठी बना के देखेंगे। ये देखिए, हमने मैदा ली और इसकी हम इस तरह से हम इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर ये मैदा इस तरह से हो जाती है, दैट मीन्स कि मोइन जो है, जो हमें है, वो सफिशिएंट है मावा बाटी, पोटली और गुजिया बनाने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम टाइट गूंदेंगे। ये डो हमारा रेडी हो गया है। इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, तब तक हम इसकी फिलिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम ये जो हमारे पास बादाम है इसको हम क्रश करेंगे थोड़ा। ये देखिए, ऐसे ही हम काजू क्रश करेंगे। ये हमने काजू भी क्रश कर लिए हैं छोटी पीसेस में। अब पैन में हम 1 टेबलस्पून बहुत थोड़ा सा घी लेंगे और एक ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डालेंगे। ये हम बहुत हल्का सा है रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें। ये रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम मावा डाल देंगे और इसको हम बस 30 सेकेंड से फ्राई करेंगे। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, फ्राई हो चुका है। इसे हम वापस से बाउल में निकालेंगे। इसमें अब हम किशमिश भी ऐड करेंगे। इसमें हमने जो शुगर पाउडर लिया था वो हम ऐड करेंगे। शुगर पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मावे और ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये मिक्स हो गया है। इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम पारे बनाते हैं हमारे। तो हमने ये जो मैदा रखी थी फिलिंग बनाने से पहले, स्टफिंग बनाने से पहले, वो रेडी है। ये रेडी है, देखिए कितनी टाइट गूंदी है। अब इसकी हम बॉल्स बनाएंगे, एक बड़ी बॉल बनाएंगे इस तरह से। इसको हम गोल बेल लेंगे। हमको इसको थोड़ा मोटा ही बेलना है। इसको हम कॉर्नर्स को हम कट करेंगे और इसको लंबी स्ट्रिप्स में इक्वल साइज का कट करेंगे। और इसको स्क्वायर शेप में हम इस तरह से काटेंगे स्ट्रिप्स को। इस तरह से देखिए काटेंगे और इस तरह से ही हम बनाएंगे। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। हम मावा बाटी और पोटली बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थोड़ी मैदा लेंगे, इसको राउंड करेंगे इस तरह से और इसे अब हम गोल बेलेंगे। मावा बाटी बनाते हैं हम सबसे पहले।
एकदम पतला बेलेंगे इसको। इसमें एक चम्मच स्टफिंग रखेंगे और इसको ऐसे उठाकर इस तरह से हम इसको पैक करेंगे। ये देखिए, ये हमारी मावा बाटी रेडी है। अब हम पोटली बनाते हैं, इसकी पोटली का शेप देते हैं। इसको हम जो बेलेंगे वो थोड़ा बड़ा बेलेंगे। ये मैं पानी में मैदा मिक्स की है इसको चिपकाने के लिए। अगर हम इसमें नहीं लगाते हैं तो फिर ये खुल जाती है। अब इसके हम चारों ओर मैदा और पानी मिक्स किया हुआ लगाएंगे इस तरह से। इसमें भी हम एक चम्मच स्टफिंग रखेंगे और हम इस तरह से ऊपर शेप देंगे। ये हम यहाँ से नीचे से इसको प्रेस करेंगे, देखिए इस तरह से। और ये ऊपर वाली साइड हम इसको ओपन कर देंगे, नीचे से ऐसा प्रेस कीजिए गोल गोल और इसको ऊपर से ओपन कर दीजिए। ये देखिए पूरा इसका मुंह हमें ऐसे बंद रखना है, नहीं तो फिर स्टफिंग बाहर आ जाएगी। ये हमारी पोटली बनके रेडी है, देखिए कितनी सुंदर पोटली बनी है। अब हम गुजिया बनाते हैं। गोल बेलेंगे हम इसको। इसमें हम फिलिंग करेंगे, एक से डेढ़ चम्मच हम फिलिंग करेंगे। अब इसमें हम मैदा और पानी जो हमने मिक्स किया हुआ है वो लगाएंगे चारों तरफ और इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, प्रेस कर देंगे दोनों उंगलियों की हेल्प से। और बस मार्केट में ये स्पून आती है गुजिया काटने के लिए, तो इस तरह से हम इसको एक्स्ट्रा जो मैदा है इसको कट करेंगे। ये देखिए तो हमने चार तरह की चीजें मैंने आपको बताई, गुजिया, मावा बाटी, पोटली और ये पारे, जिसको हम बाद में शुगर सिरप में डिप करेंगे। चलिए तो हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं कढ़ाई में घी गरम कर रही हूँ, इसको हम तेज गरम करेंगे और इसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। हम घी को चेक करेंगे गरम हुआ या नहीं। उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि हम थोड़ा सा मैदा इसमें डालेंगे। ये अगर ऊपर आ जाता है तो मतलब हमारा घी प्रॉपर गरम हो चुका है फ्राई करने के लिए। तो ये देखा आपने, ऊपर आ गया है, गरम हो गया है। हम सबसे पहले मावा बाटी फ्राई करते हैं। हम तेज गैस पे डालेंगे इसको और फिर फ्लेम को हम एकदम कम कर देंगे। इसको हम एकदम लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे। जब हम कुछ भी मीठा बनाते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि उसमें प्रॉपर शुगर हो। इसको डालने के बाद हम फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे। अब लो फ्लेम पे ही हम इसको दोनों साइड से, सारी साइड से कुक करेंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई होते हैं क्योंकि हम एकदम पतले बेलते हैं इसको।
तो आप ध्यान रखिएगा ये ओवर कुक ना हो जाए, इनको चेक करते रहिएगा। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। ये हमारी मावा बाटी एकदम रेडी है। फ्लेम को आप वापस से तेज कीजिएगा, ये कढ़ाई वापस से तेज गर्म हो गई है। इसमें हम भुजिया डालते हैं, भुजिया भी हाई फ्लेम पे डालिए और फिर एकदम लो फ्लेम पे बनाइए। ये भी बहुत जल्दी फ्राई होती है क्योंकि इसको भी हम एकदम पतला बेलते हैं। फ्लेम एकदम कम कर दीजिए, भुजिया कितनी प्रॉपर तरीके से फूल रही है। इसको भी हमको एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करना है। ये देखिए भुजिया भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा और कम फ्राई करेंगे। इसको निकाल लेंगे घी में से। अब हम पोटली को फ्राई करेंगे। पोटली को फ्राई करने से पहले आप एक बार और इसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे खुलने का कोई चांस ही ना हो। चलिए फ्राई करते हैं। फ्लेम को तेज कीजिएगा वापस से और पोटली को घी में डाल दीजिए। फ्लेम को कम कर दीजिएगा। पोटली डालने के बाद इसको भी हम लाइट गोल्डन ब्राउन से थोड़ा कम ही फ्राई करेंगे। इसको आप थोड़ा थोड़ा सा पलटते रहिएगा बीच बीच में जिससे ये सारी साइड से प्रॉपर कुक हो। तो देखिए हमारी जो पोटली है ड्राई फ्रूट्स और मावे वाली वो भी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं। चलिए इसे हम घी में से निकालते हैं बाहर। चलिए अब लास्ट हमारा रह गया ये पारे रह गए हैं जो हम मीठे बनाने वाले हैं, बाद में मीठे करने वाले हैं चाशनी में डिप। ये अभी आपको ऐसे चिपके हुए दिख रहे हैं एक दूसरे से। घी को तेज गरम करेंगे हम और ये पारे हम जैसे इसमें डालेंगे ये सेपरेट हो जाएंगे और फूल जाएंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन सेकेंगे। ये देखिए मैंने कहा था ना ये सेपरेट हो जाते हैं, ये देखिए सेपरेट हो गए हैं एक दूसरे से। फ्लेम को आप लो से मीडियम करके रखिएगा। जब तक ये हमारे बन रहे हैं हम अपनी चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए पैन में हम एक कप पानी डालेंगे। पानी को हम बॉईल होने देंगे थोड़ा सा। ये पानी गर्म हो गया है, इसमें हम एक छोटी कटोरी चीनी डालेंगे मतलब शक्कर। चाशनी हम तीन तार की बनाएंगे। पानी के साथ इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हाई फ्लेम पर ही बनाइएगा, इसको बॉइल होने देते हैं। इसको चलाते रहिए आप जिसे ये जले नहीं और प्रॉपर कुक हो सारे एक साथ। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, चलिए हम इसे निकालते हैं। इसमें हम चाशनी चढ़ाएंगे रेडी होने के बाद। इसको चलाते रहिएगा। शुगर सिरप जो है वो गाढ़ा हो गया है जो हमने पानी और चीनी मिक्स किया था। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ी सी आप ये चाशनी लीजिए और इसको एक उंगली और अंगूठे के बीच में कीजिए और इसको ऊपर उठाइए। आपको तीन तार दिखेंगे मतलब चाशनी बन चुकी है हमारी। इसमें अभी जो हमने पारे बनाए थे वो हम इस चाशनी में डिप करेंगे। हम पारे डाल देते हैं इसमें सारे और इसको चला लेते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं और इसको इसमें ही छोड़ देंगे अभी हम ठंडा होने तक। चारों तरह की चीजें अब एकदम रेडी हैं। तो देखा आपने मैंने कितनी जल्दी से भुजिया पोटली और मावा बाटी और पारे बनाए मीठे एक ही तरह की मैदा गूंद के और एक ही तरह की इसमें स्टफिंग बना के।
आप इस तरह से अपने मेहमान जो आते हैं उनको सर्व करेंगे तो उनको वैरायटीज भी दिखेंगी और उन्हें चीज टेस्टी भी लगेगी, चाहे तो वो कुछ भी उठाकर खाएं। तो आप इसे बनाइएगा और मुझे जरूर याद रखिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विक्कीज़ फूड रेसिपीज। हैप्पी फेस्टिवल्स। बाय बाय। टेक केयर।